के शहरी शाकुरुल्ला शहीद पर बदतरीन जुल्म किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शाकर के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। शहीद शाकुरुल्ला के मुख्तलिफ जिस्मानी अज़ा भी गायब थे। ताहम फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद मजीद हकाइक सामने आए। इसी वाले से देखते हैं एस पी सिटी सर्कल हिना मुनव्वर की पॉपुलर न्यूज के नुमाइंदा नासिर सलीम से खसूसी गुफ्तगू। सोचना चाहिए, पाकिस्तान की हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि हमारा एक बिल्कुल ही बेगुनाह और आम सा शहरी जो कि बेचारा गलती से बॉर्डर पास करके इंडिया चला गया, उसको उसके साथ किस तरह जानवरों वाला सलूक करके इवन उसके जिस्म के हिस्से निकाल दिए गए, इतना पुरतशद्दुद उसके साथ करके जैसे वो कोई उनके जैसे वो कोई खुदकश बमबार था, इस तरह का उसके साथ रवैया इख्तियार करके उसकी डेड बॉडी हमारे पास आई है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का हमारे प्यारे मुल्क का आप इतना बड़ा दिन देखें कि वो पायलट जो यहाँ पे हमला करने की नीयत से हमारे मासूम शहरी की जान लेने के लिए आया था और पाकिस्तान की बेइज्जती करने आया था, उसको हमने पकड़ा और फिर उसको कितने बावकार तरीके से उसको रखा, उसका इलाज कराया, उसको बेहतरीन खाने पीने के लिए पहनने के लिए उसको उसकी ही वर्दी बना के साफ सुथरी दी और उसकी वर्दी में ही उसको वापस भिजवाया इतने प्रोटोकॉल के साथ, जस्ट एज अ सिंबल ऑफ पीस, एज अ जेस्चर ऑफ पीस। तो पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश जो है इसको पाकिस्तान की कमजोरी बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। इंडिया जिस खत्ते का इतना सबसे बड़ा मुल्क है, जितनी बड़ी इकॉनमी है, जितनी बड़ी मार्केट है, उसको अपने लेवल के हिसाब से अपना रोल प्ले करना चाहिए इस खत्ते में अमन लाने के लिए, ना कि वो अपने आने वाले इलेक्शन की कुछ सीटों के पीछे इस खत्ते को जंग के तौर पर लगाकर करोड़ों लोगों की जानों के साथ खेलने की कोशिश करें।